बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो ISP के बारे में है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर आप इंटरनेट की सर्विस देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी डिवाइसेज की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, हमारे पास ये एक 32 DBI डिश पे पड़ी है और इसके साथ एक UBNT की डिवाइस ROCKET M5 जो है वो लगा हुआ है। ये सिंपल ROCKET M5 है और इसके साथ ये UBNT की डिश है 32 DBI। अलग से बाय करनी पड़ती है डिश भी और अलग से ROCKET M5 बाय करना पड़ता है। ये एक साइड की है और सेम इसी तरह ही दूसरी साइड पे जो डिवाइस लगेगी वहाँ पर भी 32 DBI डिश है और उसके साथ ROCKET M5 है। ये मैक्सिमम हमने 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इनको चलाना है। 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम कितना डाटा ट्रैवल करवा सकते हैं ये नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर आपको बताएँगे। फिलहाल आज की वीडियो हम का ब्रिज बनाएँगे, ब्रिज बना के इसकी कनेक्टिविटी जो है वो ओके करनी है। अभी दोस्तों साथ साथ आपको प्राइस के बारे में बताते चलें। ROCKET M5 की प्राइस 15,500 रुपये है। दो ROCKET M5 है, एक की प्राइस 15,500 रुपये है। उसके बाद 32 DBI की दो डिश हैं, एक की प्राइस 25,000 रुपये है। टोटल जो हमारा सामान आया है ये 80,000 के बोर्ड आया है, अभी जो मौजूदा प्राइसेस जा रही हैं। तो ये 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमने इनको लगाना है। अभी ये इनकी फ़िटिंग वगैरह हमने कंप्लीट कर ली, अभी इनको ले जाते हैं टावर के ऊपर और वहाँ पर जाकर इनको फिक्स करते हैं। तो अगर आप भी 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये डिवाइस यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद फ्यूचर के अंदर अगर आप इसके साथ ROCKET ACU यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी इसके डिश के साथ कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं दोस्तों टावर के ऊपर और इसकी फ़िटिंग जो है वो टावर के ऊपर करते हैं। दोस्तों डिवाइस को हमने टावर के ऊपर लगा दिया है, जो हमें कनेक्टिविटी मिली है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो -61 dBi है और इसके अलावा नीचे जो TX RX रेट आ रहा है हमें वो 300 MBPS आ रहा है और सिग्नल मिले हैं जी -61 dB। और जो डिस्टेंस बना है ये 13 किलोमीटर बना है। तो 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमने ये डिवाइस लगाई हैं। अभी इसमें से कितना डाटा हम पास करवाएँगे ये नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला हम लेकर आएंगे इसके ऊपर कि इस ब्रिज के ऊपर आप कितना डाटा ट्रैवल करवा सकते हैं, कितना डाटा ये पास करवा सकती है, कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर। तो आज की ये छोटी सी आज की हमारी वीडियो थी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।